नमस्कार। आज वीडियो बनाने वाला नहीं था, सच्चाई बोलता हूं। बचपन का एक दोस्त है विजय, उसका जन्मदिन है। यही न्यू मार्केट में ग्लोब सिनेमा में उसका एक मॉल है, कपड़े का काम करता है। उसको विश करने के लिए फोन किया, 40 साल की दोस्ती है, उसको विश करने के लिए फोन किया और करते करते बात आ गई मार्केट पे। और बात करते करते समझ में आया कि वो भी मेरा वीडियो का वेट करता है। कि वो वीडियो का वेट करता है कौन, जो मेरा 40 साल का दोस्त है। मैं बोला आज मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, पर उससे जो बात हुई वो कंटेंट दिया मेरे इस वीडियो का। क्योंकि प्रिपरेशन मेरा कुछ होता नहीं है, मैंने पहले ही बताया। दो तीन चीज टॉपिक को कवर करूंगा फास्ट। क्यों, कहां से स्टार्ट हुआ ये बताता हूं कि विजय हमेशा गाड़ी चलाया करता था, बाइक चलाया करता था और आज भी बोलता है बाइक चलाता है। और आई एडमायर हिम। मेरे कॉलेज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में वो जीसेक हुआ करता सेंट जेवियर्स का। सेंट जेवियर्स का जीसेक होना एक बड़ी बात है। हैप्पी बर्थडे विजय। अब उससे बात करते करते जो डिस्कशन हुआ वो मैं शेयर करता हूं। मैं नेगेटिव बाजार को अभी बोलना चालू किया शुरू में, मतलब अभी लास्ट 7 या 10 दिन में। इसके बीच में फिर पॉजिटिव बोला, इसके पहले नेगेटिव, भूल जाइए उस बात को, एक बार कट करते हैं। क्या व्यू था, क्या नहीं था, क्या डिस्कशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जो आदमी बाइक या गाड़ी चलाता है वो भली भांति जानता है कि जब वो एक पहाड़ के ऊपर से चढ़ रहा है, नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है और गाड़ी चल रही है, पर अगर ढलान बहुत ज्यादा तेज हो गया ऊपर तो गाड़ी रुक जाती है, फिर वो पीछे आता है, फिर वो स्पीड पकड़ता है। पिछली बार मतलब अगली बार जो फिफ्थ गियर पे था या फोर्थ गियर पे था, उसको एक गियर या दो गियर नीचे चलता है, फिर चढ़ने की चेष्टा करता है, फिर पीछे आता है, नहीं कर पाता। फिर वो और एक गियर नीचे आता है, फिर चढ़ने की चेष्टा करता है, फिर भी नहीं चढ़ पाता है, फिर पीछे आता है। इस बार वो डिसाइड करता है कि अब अगर ये पड़ाव बहुत बड़ा है, ढलान ये ज्यादा स्टीप है, तो इसको चढ़ने के लिए बहुत पीछे आना पड़ेगा। आप में से जो भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि वो फिर पीछे आता है और बहुत पीछे आता है, बहुत पीछे आता है और स्टार्टिंग से ही फुल स्पीड पे चलता है, जिससे कि वो उस ऊंचाई को क्रॉस कर सके। करेक्ट। ये सब आई थिंक हर इंसान ये समझ पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक बार मार्केट पे आते हैं, छोटा टच करता हूं, 18,650, 600, 550, फिर नीचे आए, क्रॉस नहीं कर पाए। कहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16,000 कुछ तक, फिर ऊपर गए 18,350, फिर नीचे कहां तक आए, थोड़ा ज्यादा 15,600, फिर ऊपर गए 150, फिर पीछे आए और हम पीछे में हैं। ऊपर जाने का एम्यूनिशन कहां है, पावर कहां है गाड़ी का, बाइक। फिफ्थ गियर में आप ट्राई किए नहीं हुआ, फोर्थ गियर में ट्राई किए नहीं हुआ, थर्ड गियर में ट्राई किए, अब क्या होगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं
मार्केट को हर जमीनी हकीकत से मिलाकर सोचता हूं और हर चीज को हर चीज से जोड़ने की चेष्टा करता हूं। मेरा टाइम प्राइस ये इस वीक या 10 दिन से जो प्राइस वालों का हुआ है उसके बारे में बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा वीक 10 दिन जाए जहां शाम 200 पॉइंट ऊपर, अगले दिन 200 पॉइंट नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, प्राइस वाले नहीं टिक पाएंगे। आप जस्टिफाई करो कि आप अगर हाईएस्ट क्लोज पर हो तो आप शॉर्ट कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो। प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं कर सकता है। टाइम ही सिर्फ वाई एक्सिस यहां पर काम आएगा जो बोलेगा भाई लॉन्ग मत कर, और मैंने लास्ट वीक क्लियर बोलकर गया था भाई लॉन्ग मत कर, इस मार्केट में लॉन्ग मत कर, कुछ लेकर मत जाओ, बेचकर जाओ या न जाओ अपने हिसाब से, पर लॉन्ग मत करो। अब आप देखो आपके सामने क्या है, मंजर क्या है, तबाही क्या है। मैं फिर कट शॉर्ट करता हूं यहां पर और फिर एक दूसरे टॉपिक पे आता हूं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ जाते हैं पूरे वीक में, क्योंकि मैं वीक में सिर्फ एक वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि दिन में तीन बार या वीक में पांच बार बनाऊं। मैंने टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी, क्योंकि मैं अगर वीक में एक वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं जा सकता हूं, और वीक में कई बार ऐसे मूव आएंगे जहां आपको लगेगा मैं गलत हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, फ्री है। जैसे लास्ट दो दिन से हम तेजी किए बॉटम पकड़ पकड़ के, क्यों? वो एक साइकिल था कि ये ट्रैप है, ये ट्रैप करेगा। मैं टेलीग्राम में क्यों डाला, इंस्टाग्राम में भी क्यों डाला, मैं बोल चुका हूं। अब ट्विटर कुछ बड़े मकसद के लिए है, जहां जैसे मैंने कम्युनल राइट्स का बताया, जब मैंने बताया था पूरे इंडिया में कहीं कुछ नहीं था, पर आज देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आप फैला सको तो फैलाओ। मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ दो महीना इस चीज, ये चीज मत होने दीजिए। अगर अगले दो तीन महीने में अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो भारत का नया इतिहास रचा जाएगा। वो कब रचा जाएगा वो बाद में बोलूंगा, वो मैं जुलाई में आकर आपको बोलूंगा कि चूंकि मेरे को ये सिग्नेचर मूव मिला, जैसे कि मैंने कल बताया टेलीग्राम फ्री चैनल में, सिग्नेचर मूव मिल गया मेरे को, और फिर क्या हुआ, वहां से 300 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। ये सिग्नेचर है, हर चीज का एक सिग्नेचर होता है। बारिश आने के पहले बादल गरजता है, ये सिग्नेचर है। हम बंगाल में हैं, काल बैसाखी आने के पहले, आज जैसे फर्स्ट काल बैसाखी आया, बारिश आया, उसके पहले जोर हवा का चलना और आंधी जैसा आना, ये आगाज है कि बारिश आने वाली है। ये सब सिग्नेचर मूव है। कोई पूछे कि सिग्नेचर मूव को कैसे रीड करना है, तो ये एक्सपीरियंस है, ये आपको समझ। और इस मेरे ख्याल से जस्ट इसके ठीक एक साल पहले की वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो शायद मैंने सिग्नेचर व्यूज के बारे में काफी कुछ बताया, काफी कुछ बताया, और बहुत लोग से मैं बहुत खुश हूं जो सिर्फ मेरा वीडियो देख देख कर बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, और उनको मैं बोल रहा हूं कि आप सही दिशा में हैं, आप सही दिशा में। बाजार को खरीदने के लिए मना किया, क्या हुआ नहीं हुआ वो आपके सामने है। बाजार को जब बेचने के लिए मना किया था पीक यूक्रेन रशिया वॉर में, उसके बाद क्या हुआ, 18,150 वो आपके सामने है। यूक्रेन रशिया वॉर अभी रुकेगा नहीं, आई डोंट नो विच वीडियो, बिकॉज मैं सिंगल मैन आर्मी हूं, मेरे को नहीं पता मैं किस वीडियो, बट आई रिमेम्बर कि मैंने एक ऐसा बताया था कि अब ये महाभारत काल के आगे युद्ध जा चुका है, और अगर जा चुका है तो ये युद्ध बड़ा होने वाला है। अब क्या है, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं वो आप समझिएगा, बट खिसियानी बिल्ली खम्बा अगर नोचने पे आ जाए
तो बड़े से बड़ा खंबा दाग हो जाएगा उसमें, माने खंबा नहीं गिरेगा पर उस खंबे में दाग हो जाएगा। कभी पोलैंड को, कभी आज जैसे जापान को, ये जो वार्निंग सिग्नल्स हैं, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे विथ पावर। बिल्ली मतलब पावर है, ऐसा नहीं है कि कोई चूहा है, सतर्क रहने का टाइम है। और अभी जो समय काल कंठ है उसमें मैं एक ही बात बोलूंगा, स्लो वीडियो है आई नो, बट सोच के बोलना पड़ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा बोल दूं जो हम सबके अगेंस्ट में चले जाए। रिस्ट्रेन करिए, ये समय काल खंड आप अपने खुद पर्सनल जिंदगी में ये चीज महसूस कर रहे होंगे, और अगर नहीं किए तो अगले 10-15 दिन में महसूस करोगे। आपकी वाइफ, आपके बच्चों के संग, आपके भाइयों के संग, माता पिता के संग, रिलेशन में आपका हर जगह मन मुटाव होगा, आपका हर जगह एक टेंशन होगा। अगर वो टेंशन आपके घर के अंदर है और हो सकता है, तो सोच के देखिए कि घर के बाहर क्यों नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। गौर गोपाल दास का एक अच्छा वीडियो है कि अगर झगड़ा अपनों से हो, अगर झगड़ा अपनों से हो तो हारना अच्छा, हारना अच्छा, अगर अपनों से हो तो हारना अच्छा, और अगर अपने आप से हो तो जीतना अच्छा। अभी ये जो चल रहा है ना, ये झगड़ा अपनों से अभी तक चला नहीं है शायद, पर चल रहा है, चलने वाला है, पृष्ठभूमि बन रही है। मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोगों ने बहुत मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है कि इतने फॉलोअर्स हैं, इतना वीडियो, इतना देखने वाले हैं, और जितना आप फैलाओगे उतना फैलेगा। पर ये एक माध्यम है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ कि सिर्फ 2-3 महीनों के लिए अगर हम सब रुक सकें और इसको टाल सकें, तो जो आगे होने वाला है सिग्नेचर मूव अभी होगा, और जो आगे होने वाला है उसको हम कुछ हद तक रोक सकेंगे। मार्केट के बारे में क्या बोलूं, दिमाग में आ गया, मार्केट के पहले एक पॉइंट नोट करके रखा हूं, सीआर इंडिया और हाँ यूक्रेन, सीआर इंडिया के बारे में कवर कर चुका हूं, यूक्रेन रशिया के बारे में कवर कर चुका हूं, क्योंकि बहुत लोगों का वेरियस मीडियम, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, लोग पूछते हैं कि सर अब क्या, आगे क्या। क्लियर कर देता हूं, ये वॉर अब डेंजरस दिशा में जा रहा है। कम्युनल राइट्स इन इंडिया, मैं आज नाम लेकर बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब वो सामने है, और मैं चाह रहा हूं जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो उसको और स्प्रेड करें और खुद रिस्ट्रेन करें, कुछ भी ना करें 2-3 महीने। कोई आपको आकर अगर थप्पड़ भी मार दें तो एक बार 2-3 महीने के लिए चुप रहें, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं। और अगर मैं समय देख रहा हूं तो ये समय आने वाला कालखंड बहुत बड़ा है। आप सिर्फ 2-3 महीना रुक जाइए, न्याय होगा, जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो कि सही है वही होगा। पर अभी उत्तेजना को रोकिए। मैं ये चैनल चालू किया था मार्केट के संदर्भ में, आप लोगों का प्यार मिला, आज मैं इस चीज के लिए, ये मेरा जस्ट निवेदन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतने लोग जुड़ चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जो मैं देख रहा हूं उसको मत होने दीजिए। मार्केट पे आते हैं, कहां देखा था, कहां सुना था याद नहीं है, पर अभी एक दो दिन पहले पढ़ा और ध्यान था कि आप लोगों के साथ साझा करूंगा। एक वो था, सूरमा वही है बड़ा जो हर हाल में लड़ा, सूरमा वही है बड़ा जो हर हाल में लड़ा,
सर हथेली पर लेकर चला, जीत हो या हार हो परवाह बिना किए आगे बढ़ा। तो मार्केट आज के दिन में वही है, मार्केट आज के दिन में वही है। स्टॉप लॉस का बिना चिंता किए आपको, आपने जो भी किया, आई नो सर भी कटा, सब कुछ हुआ, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स आर इन पेन, ये अक्रॉस सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में एक जस्ट छोटा सा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके जाना चाहता हूँ। भाई मैं सोशल मीडिया में हूँ जरूर, पर मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, एकदम भी नहीं। ट्विटर मेरे लिए उतना ही है कि मैं मैसेज टाइप करता हूँ और छोड़ देता हूँ। नोटिफिकेशन कुछ आए देखा तो ठीक, फॉलो मेरे एक मास्टर हैं, उसको छोड़ के किसी को करता नहीं। रिप्लाई किसी को देना उचित इसलिए नहीं समझता हूं कि नेगेटिविटी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। पॉजिटिविटी को रिप्लाई अगर करूं तो आपको ये लगे कि मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूं, तो जय राम जी की करके आगे बढ़ जाता हूं। गॉड ब्लेस यू, जो नेगेटिव देते हैं उनको पहले बोलता था गॉड ब्लेस यू। इंस्टाग्राम भी वैसा ही है, यूट्यूब भी वैसा ही है। नेगेटिव कमेंट्स को जरूर रिप्लाई देता हूं, पॉजिटिव को जयराम जी की बोलता हूं। मार्केट आने वाले टाइम में, जो मैंने अपने दोस्त विजय के लिए बोला था, मार्केट ऊपर जाने की चेष्टा कर जरूर रहा है, 18,650, 18,350, 18,150, और फिर पीछे आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाइक इतना पीछे आ जाए, इतना पीछे आ जाए। क्योंकि देखिए बाजार में ना एक और भी एक कहावत है, मैं आज इस वीडियो में बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, 2x करके सुनिए या 1.5x करके, फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम वेरी इजी, इन्वेस्टमेंट करना इस बाजार में सब लोगों को लगता है कि बच्चों का खेल, बस जो पैसा खाली है, कोई व्हाट्सअप आए, कुछ आए, बस पैसा डाल दो, शेयर खरीद लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1-2-5% कुछ तो, 10-20-50% कुछ तो प्रॉफिट होगा। 32 साल हो गए मार्केट में, मार्च 1990 हर्षल मेहता स्कैम, वहां से लेकर आज 32 साल 2 महीना या 1 महीना, बाजार हमेशा, जब भी रिस्क अवर्स आप हो जाओगे ना, मोमेंट यू बिकम रिस्क अवर्स, अब तो रिस्क है ही नहीं, बाजार ऐसा एक टर्न देगा जब आपको हर कुछ याद दिला देगा। और फिर वो आपको याद आएगा जो आपके पापा और दादाजी बोला करते थे कि ये बाजार एक जुआ है, इससे दूर रहो, एक पैसा मत लगाना। अभी आप पैसा लगा रहे हो ना, ये सोच के लगा रहे हो बाजार अब जुआ नहीं है, पर जब ये अगर वो मूव आ गया तो फिर आप ही बोलोगे और आपको वो बात याद आएगी कि बाजार एक जुआ है, इसमें पैसा मत लगाना। और वो जब आप निकलोगे बाजार से हाथ जोड़कर और कसम खाकर कि बाजार में आप कभी नहीं आना, शायद ऐसा हो कि बाजार वहां से फिर वहां चला जाए जो आपका सपना था। कम बोलूंगा, ज्यादा समझिएगा, बट प्लीज एक ही बात, डर का माहौल है, कभी कभी डरना अच्छा है। मैंने ना कोविड में आपको डराया, ना मैंने यूक्रेन रशिया में डराया, मैं आज बोलता हूँ जब कोई डर का माहौल नहीं है कि एक बार थोड़ा डरिए, थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सतर्क हो जाइए, कहीं कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा दिखे तो ही वो टाइम होता है जब कहीं कुछ बुरा हो सकता है। पहली बार
दूसरी बात, ये जो माहौल अब आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में बन रहा है, जिसको मैं सीआर इन इंडिया बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा परहेज करिए आप। आई नो आप सब एजुकेटेड हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को फैलाना या लोगों को रोकना। ये कहां से आ गया खालिस्तान? कितने सालों से खालिस्तान तो कहीं था ही नहीं, ये आज कहां से खालिस्तान आ गया? हमारा फर्ज है इसको रोकना। ये अब कुछ लोग बहुत गंदा मैसेज दे रहे हैं, सेक्युलर, हिंदू, मुस्लिम। भाई हिंदू मुस्लिम हम मार्केट के लोग हैं, हम मार्केट में कब बेचना कब लेना सोचते नहीं हैं, बेचने के पहले सोचते नहीं हैं, लेने के पहले सोचते नहीं हैं। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अगर तो हम भाई भाई हैं और भाई भाई रह सकते हैं। लास्ट वीक का वीडियो वापस से जाके देखिए, विभीषण और राम, लक्ष्मण, राम, रावण, पूरा मैट्रिक्स समझिएगा भाई। हम अगर साथ में खड़े रहे ना तो हमको कुछ नहीं हो सकता। पर अब ये जो नया खालिस्तान निकल रहा है कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो हमारे दुश्मन बढ़ रहे हैं। जैसे आज जब मेरे कुछ फॉलोअर्स थे ना तो मेरे इतने दुश्मन नहीं थे, आज दुश्मन बहुत है। इस चीज को समझिए, मार्केट तो आज क्या अथाह रहेगा, हमारा अस्तित्व इंपॉर्टेंट है, हम हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, और उससे इंपॉर्टेंट हम और आप तो हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं और हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे वंश इस भारतवर्ष में कैसे हैं, ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए। नमस्कार।